And if you are, I am welcoming to you all on my YouTube channel. So thanks for watching. Like, subscribe and comment on the video. Thanks for watching. वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो जेनेटिक डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और कैसे ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, इनहेरिटेंस इनका कैसे होता है। तो आइए बात करते हैं आगे। सेल से मिलकर बनी होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम जीन बोलते हैं। तो गड़बड़ी जीन में होती है। तो आइए बात करते हैं आगे ये कितने टाइप के होते हैं। जेनेटिक डिजीज होता है ये एक एज अ डिजीज होता है जो नॉर्मलिटीज होती हैं जो इसकी वो जीनोम में होती है, मतलब जो जीनोम में कुछ गड़बड़ी होती है, और स्पेशली ये कंडीशन बर्थ से ही होती है। मीन जैसे अगर जो बेबी होता है पैदा होता है तभी से उसके साथ ये बीमारी होती है। तो मोस्ट जेनेटिक डिजॉर्डर आर क्विट रेयर एंड इफेक्ट 1% इन एवरी सेवरल थाउजेंड और मिलियन, मीन हजारों और लाखों में से किसी एक को डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर आर हेरिटेबल एंड आर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स जीन, मीन जो पेरेंट्स के जीन हैं वो जीन जब आप में ट्रांसफ़र होंगे तो उसके अगर कोई बीमारी है, मीन डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो आप में भी आ सकता है या फिर आ जाता है। और ये एक टाइप से और होता है कि अदर डिफेक्ट मे बी कॉज बाय द न्यू म्यूटेशन और चेंजेस इन डी एन ए, मीन आपके डी एन ए में कोई चेंज हो जाए या फिर म्यूटेशन हो जाए तो उससे भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, आ जाता है। तो अब हम बात होना चाहिए कि जो ह्यूमन की पर सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो 23 पेयर्स होता है, मीन 23 पेयर्स मीन 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, मीन होमोलोगस होते हैं, एक जैसे होते हैं, और जो लास्ट में जो एक बचा हुआ होता है वो सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, और वो होमोलोगस भी होते हैं डिफरेंट भी, जैसे मेल में वो डिफरेंट होते हैं लेकिन फीमेल जो होता है उसमें होमोलोगस होते हैं, वो भी होमोलोगस होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो डिसऑर्डर होते हैं वो ऑटोसोम के बेस पे जो ऑटोसोम में होते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, कि जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। यहाँ पे हमने दो बेसिस पे डिसऑर्डर्स बताए, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम, मीन ऑटोसोम्स में होने वाले और सेक्स क्रोमोसोम में होने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोसोम में। तो ऑटोसोम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो दो टाइप से होते हैं, पहला अल्टरनेशन इन नंबर, मीन नंबर में उनकी कोई दिक्कत हो, और दूसरा बी स्ट्रक्चर, जो ऑटोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई दिक्कत हो। तो हम इस वीडियो में उसकी सिर्फ नंबर्स के ऊपर बताएंगे कि जो अल्टरनेशन इन नंबर्स जो होते हैं ऑटोसोम में उसके ऊपर जो तीन ये जो तीन डिसऑर्डर हैं इनके बारे में बताएंगे। और इधर सेक्स क्रोमोसोम में हम चार सिंड्रोम्स के बारे में बताएंगे। इसमें पहला टर्नर सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा ट्रिपल एक्स फीमेल जिसे एक्स्ट्रा फीमेल भी बोला जाता है, और दूसरा है चौथा है डबल वाई मेल, मीन इसे एक्स्ट्रा मेल भी बोला जाता है। तो आम आदमी क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोम होते हैं, मीन जब दो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, मीन ये वन और ये टू पेयर्स हैं ये क्रोमोसोम के, तो इस इन पेयर्स में ये टू पेयर्स हैं जब क्रोमोसोम के, तो इसमें एक पेयर आके और ऐड हो जाता है, मीन ये ऐड हो जाता है ये वाला, तो इसे ट्राइसोमी बोलते हैं। और ये ट्राइसोमी जो होता है वो 21 नंबर पे होता है डाउन सिंड्रोम में। जो ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम की जो नंबर्स होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं, मीन 44 होते हैं ये, तो 21 वाला जो पेयर है उस पर होती है ट्राइसोमी, मीन एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम होता है वो आके अटैच हो जाता है एक पेयर क्रोमोसोम में। सिम्टम्स होते हैं, तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं देख लेते हैं। तो पहला यह है कि उसकी जो नाक होती है फ्लैटेंड होती है, मीन चपटी नाक होती है, एबनॉर्मल आइज़ होती है, आइज़ जो होती हैं वो एबनॉर्मल होती है, और उसके एयर जो कान होते हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं, हाथ छोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, और उसका पेट थोड़ा सब बड़ा हुआ होता है, और जो उसके जो अंगूठा होता है उंगली का वो थोड़ा छोटा होता है, और स्मॉल हेड होता है, जन्म जब होता है तो उसका सिर छोटा सा ही होता है, नॉर्मल कंपैरिजन में छोटा हेड होता है, और जो उसका पैर होते हैं थोड़े से चौड़े होते हैं। तो यही इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पटाउ सिंड्रोम में, कि पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है। पटाउ सिंड्रोम भी डाउन सिंड्रोम की तरह ही होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें 21 पेयर पे ट्राइसोमी हो रही थी, लेकिन इसमें 13 पेयर पे ट्राइसोमी होगी ऑटोसोम के। तो अब इसके सिम्टम्स देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। जो बेबी होता है तुरंत जो बेबी होता है उसे हार्ट डिफेक्ट होता है, मीन हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज होती है, स्मॉल और पुअरली डेवलपमेंट आइज होती है, मतलब आँखें छोटी छोटी होती हैं, एक्स्ट्रा फिंगर हो सकती है या फिर कम भी हो सकती हैं, क्लेफ्ट लिप्स और बीक मसल्स होती हैं उसकी, स्मॉल माउथ होता है लेकिन जो हेड थोड़ा सा मतलब
थोड़ा सा चपटा होता है, बड़ा होता है, नाक थोड़ी चपटी होती है, वही थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम से मिलते हुए। एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में ये क्या होता है, इसमें कैरियोटाइप मतलब क्या होता है ये? तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है उसमें भी ट्राइसोमी होती है ऑटोसोम में, ये भी ऑटोसोमल एक डिसऑर्डर होता है। डाउन सिंड्रोम जैसे डाउन सिंड्रोम में, पटाउ सिंड्रोम में, ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। तो ऐसा ही एडवर्ड सिंड्रोम होता है जिसमें जो ऑटोसोम का जो 18 पेयर होता है, ऑटोसोम का जो 18 पेयर होता है उस पर ट्राइसोमी आती है। मीन दो पेयर जो होते हैं क्रोमोजोम के, उनके साथ तीसरा पेयर, तीसरा एक सिंगल आके जुड़ जाता है, मीन तीन क्रोमोजोम हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम के जो थोड़े सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े मैच करते हैं पटाउ सिंड्रोम से। इसमें भी हार्ट डिजीज होता है जो बेबी होता है उसे, और ग्रोथ नहीं होती सही से, डायमॉर्फिक फीचर्स जो होते हैं वो दिखते हैं, और जो फेशियल क्लेफ्ट होते हैं, और स्पाइनल बिफिडा होता है, सेवरल डेवलपमेंट्स डिले होता है, मीन इनमें ग्रोथ नहीं होती, ये मतलब ज़्यादा जीते नहीं हैं, इनकी लाइफ लंबी नहीं होती है। बात करेंगे जो सेक्स क्रोमोसोम से डिसऑर्डर होते हैं रिलेटेड, वो कौन कौन से होते हैं। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय मिसिंग और इनकम्प्लीट एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम के मिसिंग या फिर इनकम्प्लीट होने से होता है। पीपल हु हैव टर्नर सिंड्रोम डेवलप एज फीमेल, जिस व्यक्ति को ये सिंड्रोम होता है वो एज अ उसकी जो बॉडी डेवलपमेंट है वो फीमेल, एज अ फीमेल डेवलपमेंट होता है उसमें बॉडी में। द जीन इफेक्टेड आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट्स, मतलब जीन जो अफेक्ट करेंगे वो उसके ग्रोथ में सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेंगे। तो विच इज वाई गर्ल विद डिसऑर्डर आर शॉर्टन देन नॉर्मल एंड हैव एबनॉर्मल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो नॉर्मल जो गर्ल्स होती हैं उनकी कंपेरिजन में जो टर्नर सिंड्रोम एक गर्ल होगी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सेक्सुअल वो डेवलप नहीं होंगे, एबनॉर्मल होंगे। अब हम बात करें ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो मोनोसोमी से होता है, मीन ट्राइसोमी ये होती है कि एक पेयर है क्रोमोसोम का उसमें तीसरा आके एक सिंगल आके ऐड हो गया तो ट्राइसोमी हुई, और मोनोसोमी ये होती है कि अगर एक जो पेयर है उसमें से एक क्रोमोसोम है वो हट गया या फिर डेवलप नहीं हो पाया पूरी तरह से तो ये मोनोसोमी होती है। तो इसमें यही होता है कि एक जो क्रोमोसोम होता है उसका लॉस हो जाता है, एक पेयर में एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है इसमें सेक्स क्रोमोसोम में, मीन क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर की, जो सेक्सुअल जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो इसमें मोनोसोमी हो जाती है और वो भी सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम में हो जाती है। अब हम बात करेंगे आगे जो टर्नर सिंड्रोम्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जरा चलिए देख लेते हैं। तो स्मॉल हेड होता है, एबसेंट आईब्रोज होती है, आईब्रोज नहीं होती हैं, और जो सिर होता है वो छोटा होता है, क्लिफ्ट लिप एंड और पैलेट होता है, मीन कटा फिटा ओंठ होता है, और जो उनकी उंगलियां होती हैं वो कभी कभी कम भी होती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है, और जो कान होते हैं उनकी मतलब जो शेप नॉर्मल शेप से अलग होते हैं, और बाकी सेक्सुअल करेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब डिफरेंस होते हैं नॉर्मल से एबनॉर्मल होते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट एक लाइन फिल्टर सिंड्रोम की, जिसे लाइन फिल्टर सिंड्रोम के नाम से भी कहते हैं। तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है अगर वो मेल में होता है तो उसमें जो मेल में जो नंबर होते हैं जो क्रोमोसोम के जो सेक्स क्रोमोसोम के एक्स वाई होते हैं, मीन एक पेयर होता है जो एक्स वाई का होता है, लेकिन मेल वहाँ पे एक्स की जगह पे टू एक्स आ जाता है, मीन एक्स एक्स टू एक्स आया, मतलब एक्स एक्स डेवलप्स इंटू एक्स एक्स एंड वाई, मीन उसमें दो एक्स आ गए और एक वाई आ गया, क्योंकि हम जानते हैं जो एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए उसे फीमेल कैरेक्टर्स को बढ़ावा देता है, मेल उसके लिए सपोर्ट करता है और वो फीमेलनेस लाता है, और जो वाई होता है वो मेलनेस लाता है। तो इसमें मेल में अगर एक्स एक्स और वाई आ रहा है, मीन एक्स एक एक्स्ट्रा एक्स आ रहा है, तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा और उसमें फीमेलनेस कूट कूट के भरी होगी। तो इसमें ट्राइसोमी हुई है और सेक्स क्रोमोसोम में हुई है और मेल में हो रहा है और एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है। अगर ये अब आप कहेंगे कि अगर फीमेल हुआ फिर अगर ये फीमेल में हुआ तो ये एक्स्ट्रा फीमेल में ये दूसरा सिंड्रोम हो जाता है, क्लाइन फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स एक्स ये तो फीमेल में होता है, फीमेलनेस कूट कूट के फीमेल में भरी होती है क्योंकि वो फीमेल होती है, उनमें जब एक्स और ऐड कर दिया तो ये एक्स 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 मतलब तीन एक्स हो गया, तो ये एक्स्ट्रा फीमेल सिंड्रोम हो गया जिसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे। तो ये मेल में होता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे आगे सिम्टम्स देखते हैं जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में जो मेल में होते हैं। तो जब x बढ़ रहा है, मीन x x बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है फीमेलनेस बढ़ेगी, तो फीमेलनेस पे क्या क्या होता है, उसके जो गोनाड्स होते हैं वो फीमेल एज अ फीमेल तो नहीं होंगे, लेकिन उसके जो मेल गोनाड्स होंगे वो
ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, मीन स्मॉल टेस्टिस होगा, प्रोमिनेंट ब्रेस्ट होगा, मीन उसकी जो मेमोरी ग्रैंड होगी वो थोड़ी सी एज अ फीमेल होगी, जैसे कि मैंने बताया कंधे थोड़े से फीमेल जैसे होंगे, और उसके जो बॉडी पे हेयर नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, अगर होंगे तो यही होता है, मतलब जैसे जैसे फीमेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। तो अब हम आगे एक्स्ट्रा फीमेल और सुपर फीमेल और ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ये तीन नाम होते हैं इसके। तो इसमें ये होता है कि जो फीमेल जो होते हैं, फीमेल जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं लेकिन नॉर्मल में, लेकिन जब ये सिंड्रोम अगर फीमेल को हो रहा है तो उसमें एक एक्स की जो नंबर्स थे बढ़ जाते हैं, मीन टू एक्स की जगह पे एक्स मीन थ्री एक्स हो जाता है, मीन एक्स एक्स और एक्स हो जाता है, जिससे उसमें फीमेलनेस और आ जाती है, जिससे क्या होता है उसके सिम्टम्स देखते हैं आगे। सिम्टम्स क्या होते हैं जनरली, इसकी कुछ सिम्टम्स अभी तक साइंटिस्ट ने बताया नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं, जैसे कि जो बॉर बॉडीज होती है, जो जेनुअल फीमेल जो सामान्यतः जो फीमेल्स होती है उनमें बॉर बॉडी एक होता है एक साल में, लेकिन ये इस टाइप की जो फीमेल्स होती है उनमें दो होते हैं, इनके जो ग्रोथ की टाल ग्रोथ होती है, मतलब थोड़े कान बड़े होते हैं और उनकी ग्रोथ देर में होती है, बाकी इसके कुछ पार्टिकल्स जो सिम्टम्स होते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द बेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।